हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो आपकी हमारा घर हमारा विद्यालय अभ्यास पुस्तिकाएं हैं कक्षा 4 से 5 हेतु, उसका हम आपका जो वर्कशीट है यानी कि प्रोजेक्ट 1 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपके स्कूल में ये बुक्स मिल गई होंगी आपको। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, वर्कशीट ए का सॉल्यूशन देखने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आपको इस वर्कशीट को देखकर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिएगा। तो सबसे पहले ये चित्र देखिएगा, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिएगा चित्र में क्या है। एक तालाब दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है और बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पर चढ़े हुए हैं और कुछ क्या पानी में बोट पर तैर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम वाक्य लिखते हैं। देखिएगा, एक तालाब है जिसके किनारे बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं तथा बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद लिखना, तालाब में नाव भी है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर पानी और ज़मीन दोनों जगह रहने वाले जीवों पर सही का चिन्ह लगाकर हमें बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको पता है जो जानवर पानी में रह रहे हैं, देखिए पानी और ज़मीन दोनों पर बोला गया है। तो देखिए, जो आपका इसमें से ऑप्शन दिया गया है कछुआ, ये क्या आपका ज़मीन पे भी चल जाता है और क्या पानी में भी चलता रहता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है क्या कुत्ता, कुत्ता पानी में रहता है या फिर ज़मीन पे, दोनों जगह रह सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ ज़मीन पर ही रहता है। ये हमारे क्या है, खरगोश साहब क्या पानी में रह सकते हैं? नहीं। तो देखिए, मेंढक क्या पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी आपने इसे देखा है? क्या आपने मेंढक को देखा है? अगर मेंढक को आपने देखा है तो वो किस रंग का आपने देखा है, ये कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 से 3 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसके आधार पर आप उसके आगे और पीछे के वर्णों को लिखना है। बिल्कुल लिखेंगे हम। देखिए, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आता है, देखिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए के है, अब यहाँ से पढ़िएगा आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर क्या आएगा, जे, फिर के, जे के एल एम, एम के बाद एन, एन नहीं आए क्यों, क्यू के पहले पूछा है। तो चलिए पढ़िए फिर, के एल एम एन ओ पी, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। चलिएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्यू आर एस आता है, ऐसा आता है। अब देखिए यू वी डब्लू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसको भरना होगा। ठीक है, चलिएगा। ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको रंग भरना है तो रंग भर दीजिए यहाँ पर अपने हिसाब से। इसमें हम कुछ भी, इसमें ये वाला रंग भर देते हैं और इसके बाद हम ये वाला रंग ले लेते हैं यहाँ पर गाड़ियों के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम, आप देखिए बुक आपके पास रहेगी तो आप क्लियरली सही तरीके से भर पाओगे। तो क्या यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली आपको बता रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कलर लगा कर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे हम भर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको भरना होगा। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की अलग कौन है ढूंढकर बताइए, घेरा लगाइए। देखिए अलग कौन है, अब यहाँ पर आपको देखिएगा ये सारे क्या दिख रहे हैं, आपको पक्षी दिख रहे हैं। ये पक्षी क्या होते हैं, ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता है, ये कहीं ऊपर उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, तो ये अलग है। तो इस हमने क्या कर दिया, एक गोला लगा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम वर्कशीट, अब नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट हम 2 का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।